नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा चिन्ह और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। पूर्व वित्त मंत्री हरिवंश शर्मा शुक्रवार नैनवा में हुए मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चुनाव के समय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर ईडी की कार्यवाही, मुख्यमंत्री गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को फेमा के तहत कार्यवाही का नोटिस दिया। इसी कड़ी में कड़े शब्दों में निंदा करते हुए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के मुख्यमंत्री के परिवार को बदनाम करने की साजिश है तथा इससे इनकी दुर्भावना प्रदर्शित हो रही है। डोटासरा के घर पर रांची में ईडी के छापे की कार्यवाही निंदनीय है। शर्मा ने कहा कि वैभव गहलोत को 12 साल पुराने मामले में फेमा के तहत नोटिस देकर 24 घंटे में उपस्थित होने का जो परिदृश्य रखा है वह निंदनीय है। केंद्र सरकार मुख्यमंत्री की जनहितैषी योजना दोबारा सत्ता में आने के डर से इनको बदनाम किया जा रहा है, जबकि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का आमजन से सरकार की व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। इसको बिगड़ने के लिए कांग्रेस के नेताओं को बदनाम किया जा रहा है ताकि कांग्रेस सरकार दोबारा सत्ता में न आए। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में जन कल्याणकारी योजनाओं तथा राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने जो विजन 23 दिया है, इससे सरकार दोबारा सत्ता में आएगी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा चुनाव के समय ईडी का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, फेमा का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, चुनाव को प्रभावित करने के लिए और कांग्रेस को बदनाम करने की जो चेष्टाएँ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हमारे वैभव गहलोत जी को 12 साल पुराने मामले में फेमा के तहत 24 घंटे से भी कम का नोटिस देकर उपस्थित होने का जो उन्होंने परिदृश्य सामने रखा है वो निंदनीय है, नियम विरुद्ध है और न्याय के नेचुरल सिद्धांतों के भी खिलाफ है। पूर्व में भी उनको नोटिस दिया गया था जिसका जवाब पूर्व में प्रस्तुत कर दिया गया था, लेकिन चुनाव कैसे प्रभावित हो, श्री अशोक गहलोत की जनहितैषी नीतियों के कारण जो राजस्थान में एक व्यापक जन समर्थन जनता का मिल रहा है, उससे प्रभावित होकर के उस अच्छे वातावरण को बिगाड़ करके कुत्सित तरीकों से ये नए नए ढंग से नेताओं को बदनाम करने के उद्देश्य से जो कार्रवाई कर रहे हैं, उससे जनता में भ्रम पैदा न होगा। कांग्रेस पुनः शासन में आएगी, भारी बहुमत से आएगी। पुरानी योजनाओं को जनता तारीफ कर रही है और सराह रही है और इसके साथ जो नया विजन अशोक गहलोत की सरकार ने दिया है वो और जनता को प्रभावित करता है। श्रीमती प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार के विजन की घोषणा की है, उस विजन से जो महिलाओं में जो प्रभाव पड़ा है उससे भी ये चिंतित हैं और इसी कारण से ये नेतृत्व को बदनाम करने के दृष्टिकोण से चुनावी वर्ष में राजस्थान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के खिलाफ, वैभव गहलोत जी के खिलाफ ईडी और फेमा का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और भरोसा दिलाता हूं आपको कि पुनः राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनेगी और पुनः कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यहां पर मुख्यमंत्री बनाएगा और कांग्रेस पुनः पूर्व की भांति आगे आने वाले समय में राजस्थान को विकसित करने के लिए अपनी योजनाओं को गंभीरता से लागू करके जनहितैषी कार्य करेगी, राजस्थान का नक्शा बदलेगी।